ये कहानी है दिल्ली शहर की। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम समीर था। समीर की उम्र अभी सिर्फ 6 साल की ही थी। एक रोड एक्सीडेंट में समीर के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। समीर अब अकेला ही रह गया था। समीर अब अपने अंकल आंटी के घर पे रहने लगा था। लेकिन समीर के अंकल आंटी का रवैया समीर के साथ ठीक नहीं था। जब समीर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके अंकल आंटी ने तुरंत उसको एक बाइक रिपेयरिंग वाले की दुकान पर काम पे लगा दिया, ताकि समीर घर पे ज़्यादा ना रह सके। दुकान का ओनर एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो समीर को पाकर बहुत खुश भी था। वो समीर के साथ खेलता भी था और समीर को हर तरीके का काम भी सिखाया करता था। दुकान के मालिक का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ उसकी 2 बेटियाँ थीं, इसलिए वो चाहता था कि समीर उसी के पास रहे। समीर ने भी काफ़ी बार उसे ये बताया था कि उसके अंकल आंटी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसलिए एक बार उसके दुकान के मालिक ने मन बनाकर उसके आंटी के पास गया और उसने वहाँ जाकर बात की, क्या मैं समीर को अपने पास रख सकता हूँ। समीर के अंकल आंटी भी समीर को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फौरन हामी भर दी। अब दुकान का मालिक खुशी खुशी समीर को अपने घर लेकर आ गया। अब दुकान के मालिक ने समीर से कहा कि बेटे, अब आज के बाद आप दुकान पर नहीं आओगे, घर पर रहोगे और पढ़ाई करोगे। समीर ने पढ़ाई की बात तो मान ली, लेकिन उसने दुकान पर आना जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि उसके मालिक की इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो समीर को घर पर रखकर पढ़ा सके। समीर का मालिक भी एक गरीब इंसान ही था। वो अपनी इस दुकान से सिर्फ अपने घर का गुजारा ही कर पाता था। समीर के दुकान पर होने से काम थोड़ा ज़्यादा हो जाया करता था, इसलिए समीर दुकान को नहीं छोड़ना चाहता था। देखते ही देखते काफ़ी वक्त गुजर गया। समीर अब जवान हो चुका था और पूरी दुकान की जिम्मेदारी अब समीर के जिम्मे ही थी, और समीर उस दुकान को बहुत अच्छी तरीके से चला रहा था। एक दिन की बात है कि समीर दुकान बंद कर ही रहा था कि उसके पास एक ग्राहक आया और उसने उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करके कहा कि आप मेरी बाइक को ठीक कर दीजिए, आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा घर बहुत दूर है और सफ़र लंबा है, इसलिए मुझे अपनी बाइक अभी इसी वक्त ही ठीक चाहिए। समीर ने भी सोचा कि इसकी बाइक को ठीक करने देना चाहिए, क्योंकि यह इस समय मुसीबत में है। इसलिए उसने अपने मालिक से कहा कि आप घर चले जाइए और मैं इस काम को निपटा करके घर पहुँच जाऊँगा। मालिक ने कुछ देर उससे बात की, उसके बाद वो घर के लिए रवाना हो गए। समीर उसी गाड़ी में लगा रहा, उसे रात के 11 बज गए। रात 11 बजे समीर अपनी दुकान को बढ़ाकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। वो पैदल ही जा रहा था, क्योंकि उनके पास एक स्कूटर था, जिस स्कूटर से उसके मालिक पहले ही घर जा चुके थे। रात के 11 बज चुके थे, इसलिए उसे वहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। अचानक ही तेज़ बारिश होने लगी और समीर ज़ोरों से दौड़ने लगा। वो दौड़ते दौड़ते एक हाईवे सड़क पर आ गया और वहाँ वो देखता है कि एक कार जो कि ख़राब पड़ी थी और कोई उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। समीर उसके बराबर से ही दौड़ते हुए निकला। वो कुछ आगे निकलने के बाद उसने सोचा कि शायद ये कोई परेशान आदमी है, चलो इसकी भी हेल्प कर देते हैं। वो तुरंत वहाँ से वापस आया और उसने आकर के उस कार के मालिक से बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस कार का मालिक कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, और वो रो रही थी। उस समय वो कह रही थी कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इतनी रात गए, मैं घर कैसे जा सकती हूँ। समीर ने बताया कि मैं एक बाइक का इंजीनियर हूँ और मैं थोड़ा बहुत कार के काम को भी जानता हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कार देख सकता हूँ। तो उस लड़की ने तुरंत ही हामी भर दी। समीर उसकी गाड़ी को देखने लगा और कुछ ही मिनटों सेकंडों में समीर ने उसकी गाड़ी को ठीक कर दिया। वो लड़की खुश हो गई और उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। लेकिन समीर ने उस लड़की से कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, और उस लड़की ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, लेकिन समीर ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठा। उसके बाद उस लड़की ने उससे पूछा कि आपकी दुकान कहाँ पर है, मुझे आपकी पेमेंट करनी है। तो समीर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह सिर्फ एक हेल्प थी, इसका कोई पैसा नहीं। ये कहते हुए समीर दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ चला गया और वो अपने घर पहुँच गया।
उसके दो चार दिन के बाद वो लड़की समीर की दुकान के सामने से गुजर ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र समीर पर पड़ गई। समीर बाइक में काम कर रहा था। उस लड़की ने तुरंत अपनी गाड़ी रोक कर समीर के पास आ गई उसका धन्यवाद कहने, और उसने कहा कि उस दिन आप इतनी जल्दी में निकल गए, मैंने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा। फिर समीर ने उस लड़की को अपने मालिक से मिलाया और उस लड़की ने कहा कि आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है कि उस समय कोई भी मेरी मदद को नहीं था। दो दिन बाद मेरा बर्थडे है और आपको ज़रूर आना होगा। समीर ने पहले तो मना किया, लेकिन उस लड़की ने उसके मालिक से कहा कि आप समीर को ज़रूर भेजिएगा, ये नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी। उसके मालिक ने समीर से कहा, बेटे आपको जाना चाहिए। फिर समीर ने कहा, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। बर्थडे वाले दिन समीर उसके बताए हुए एड्रेस पर उस लड़की के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने क्या देखा कि वहां पर बड़े बड़े लोग कोट पैंट शर्ट में आए हुए थे और BMW जैगुआर गाड़ियों जैसी उसकी यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी। समीर ने ये सब देखा और देखा कि इतना बड़ा बंगला यहाँ वो लड़की रहती है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, क्योंकि समीर एक गरीब घर से था। वो एक जीन्स की पैंट और टी शर्ट में वहाँ पहुँच गया था। समीर ने ये सब देखा और उसने घर की तरफ वापस कदम बढ़ा लिए। अचानक ही उस लड़की ने समीर को देख लिया, क्योंकि वो गेट पर ही समीर का इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत आकर समीर का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि वापस कहाँ जा रहे हो। समीर ने कहा, ये मेरी जगह नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ और यहाँ तो इतने अमीर अमीर लोग हैं। उस लड़की ने समीर की बातें सुनी और तुरंत समीर का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले गई और गाड़ी में बिठाकर वो एक बहुत बड़े मॉल में गए और समीर के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग करी, समीर को कपड़े दिलाए। उसके बाद समीर ने कहा कि इतना तो काम मैंने नहीं किया आपके साथ, तो आप ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए। उस लड़की ने कोई बात ना करते हुए उससे कहा कि ठीक है अब तो आप जा सकते हो पार्टी में। उसके बाद वो दोनों पार्टी में चले गए। उस लड़की ने अपने पिताजी से समीर को मिलवाया और बताई उस रात की पूरी बात कि पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये वही लड़का है समीर जिसने मेरी गाड़ी को ठीक किया था। उसके पिताजी ने समीर का हाथ पकड़ के और समीर को बहुत सारी दुआएँ भी दी और कहा कि बेटे तुम जैसे इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते। पार्टी ख़त्म हो गई, समीर अपने घर आ गया, लेकिन समय समय पर वो लड़की समीर से मिलने आती रहती थी और वो लोग घूमने भी जाया करते थे। कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस लड़की ने एक दिन अपने पिताजी से बात की कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ। उसके पिताजी गुस्सा हो गए, क्योंकि समीर एक गरीब घर से था और उसके पिताजी समीर को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं थे। लेकिन बेटी ने इतनी ज़्यादा ज़िद की कि उसके पिताजी ने अपनी बेटी से कहा कि एक बार आप मुझे समीर से मिलवाओ, समीर को घर बुलाओ। अगले ही दिन समीर को उन्होंने इनवाइट किया, समीर उनके घर आया और पिताजी ने समीर से बहुत सारी बातें की, उसकी एजुकेशन के बारे में बातें की। समीर ने बताया कि बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने कोई स्कूल डिग्री तो नहीं की है, लेकिन मैं घर पे ही ट्यूशन लेकर के पढ़ा करता था, मैं एक बाइक इंजीनियर हूँ लेकिन मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है। लेकिन सर आप मेरे से इस बात क्यों पूछ रहे हो। लड़की के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी की जिद है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। समीर ने ये बात सुनी और समीर झट से खड़ा हो गया। उसके पिताजी ने कहा कि आप बैठ जाओ, समीर बैठ गया। लड़की के पिताजी ने समीर से पूछा कि तुम इस शादी के बारे में क्या कहना चाहते हो। समीर ने कहा कि आपकी बेटी मुझे पसंद करती है और मैं आपकी बेटी को, ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करता हूँ तो शायद मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, क्योंकि वो एक बहुत अमीर घराने से है और मैं एक गरीब घराने से हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूँगा और जहाँ आपको बेहतर लगे आप अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करें। ये कहने के बाद समीर वहाँ से उठकर अपने घर चला गया। अगले ही दिन उस लड़की के पिताजी समीर के घर पहुँच गए। वहाँ जाकर उसने समीर के मालिक से बात की और कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता समीर के साथ करना चाहता हूँ। समीर का मालिक, जो कि उस लड़की को पहले से जानता था, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और चंद ही दिनों में समीर की शादी हो गई।
लड़की के पिताजी ने रहने के लिए समीर को एक घर गिफ्ट में दिया और उसको काफ़ी रुपया पैसा भी दिया, जिससे कि समीर ने अपनी छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़े शोरूम में बदल दिया। अब समीर के पास 25-30 लड़के काम किया करते थे और 100-200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला लड़का आज 4-5 लाख रुपए कमाने वाला लड़का बन गया। समीर के ससुर जी, जो कि पहले से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने समीर के बिजनेस को 4 चांद लगा दिए और देखते ही देखते समीर 1 करोड़पति आदमी बन गया। इसे कहते हैं किस्मत का खेल।